हेलो ऑल, वेलकम टू टिटिगल। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 7 तक हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये सब क्वेश्चन हमको गिवन है, करेक्ट। तो उसका एडिटिव इनवर्स हमको निकालना है। पहले एडिटिव इनवर्स क्या है, देखो एडिटिव इनवर्स है ये जो नंबर हमको जो भी नंबर गिवन रहेगा ना, बस आप उसका उल्टा लिखना है। उल्टा मतलब देखो, ये जो पॉजिटिव साइन है तो हमको आंसर क्या लिखना है, -2/8, बस उतना ही एडिटिव इनवर्स करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो सेकेंड नंबर में माइनस साइन है, -5/9, तो आंसर हमारा 5/9 ही होगा। पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड हमारा दोनों पे मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पे माइनस साइन है, तो पहले हमको क्या करना है, 6/5 को कन्वर्ट करना है, क्योंकि दोनों जगह पर अगर माइनस साइन हो तो वो तो कट हो जाएगा। कट होने के बाद हमारा ये प्लस साइन आ रहा है, अगर प्लस साइन आ रहा है तो क्वेश्चन हमारा ये है। तो इस क्वेश्चन का एडिटिव इनवर्स 6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो 6/5 का एडिटिव इनवर्स -6/5, करेक्ट। एक सिंगल माइनस साइन लगेगा यहां पर, दोनों पर था, दोनों से कन्वर्ट किए प्लस साइन पे और उसको हमने एडिटिव इनवर्स पे नेक्स्ट कन्वर्ट किया। तो पहले वही चीज आपको समझना है और याद रखना है कि किस पे कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो 2/-9, तो पहले हमको क्या करना है, ये जो माइनस साइन डिनोमिनेटर पे है हम उसको 2/9 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे तो करते हैं हम। तो नेक्स्ट हमको क्या करना है, मतलब इसी का हमारा एडिटिव इनवर्स निकालना है 2/9, कंप्लीट। नेक्स्ट सेम टू सेम 19/-6 जो कि -19/6 है और उसका आंसर होगा 19/6। इतना ही आपको बस करना है, प्लस रहा तो माइनस, माइनस रहा तो प्लस, बस ध्यान में रखना है कहां पर कैसे साइन में है। देखो यहाँ पर 2 माइनस था, तो आप अगर लिख देते तो डायरेक्टली कैसे लिखते, तो कन्वर्ट करने के बाद लिखोगे तो आपको इजी हो सकता है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट -(-x) इज इक्वल टू एक्स फॉर फर्स्ट वन x इज इक्वल टू 11/5। तो हमको क्या करना है, देखो पहले हमको क्या करना है, x इज इक्वल टू 11/5 हमको गिवन है, तो 11/5 हम लिख देंगे और माइनस साइन को लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, नेक्स्ट माइनस साइन दे देंगे, कंप्लीट। तो वही माइनस माइनस हमारा प्लस 11/5 और ये हमारा क्या है, एक्स ही है, करेक्ट, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये माइनस ऑफ देखो एक्स इज इक्वल टू -13, तो हमको क्या करना है, अगेन हमको क्या करना है, ये जो माइनस एक्स, ये माइनस एक्स इज इक्वल टू -13/17, ठीक है। तो हमको पहले इस नंबर को लिखना है, जैसे मैंने 11/5 फर्स्ट लिखा उसके बाद माइनस साइन लगाया, स्टेप बाय स्टेप मैंने किया, तो सेम हमको क्या करना है, जो गिवन है उसी को लिखना है बस, ठीक है। उसके बाद ये हमारा माइनस मतलब नेगेटिव नंबर है, इसीलिए हमने उसको पहले ब्रैकेट दे दिया, उसके बाद क्या करना है, माइनस साइन लगाना है, क्योंकि माइनस एक्स लिखा है पर एक्स क्या है, एक्स है नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो ये नंबर हमारा हो गया। नेक्स्ट ये जो माइनस साइन है ये है, नेक्स्ट उसको क्या करेंगे, अगेन ब्रैकेट देंगे, ये जो फाइनल नेगेटिव साइन ये है, मतलब यहां पर 3 नेगेटिव साइन दिया जाएगा, ठीक है। पहला वाला नेगेटिव साइन ये है, सेकेंड वाला नेगेटिव साइन ये है, और ये जो नेगेटिव साइन है ये हमको गिवन है क्वेश्चन में, करेक्ट। तो क्या आंसर आएगा, -13/7, क्योंकि 3 नेगेटिव साइन है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा एक्स है आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, करेक्ट। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? जिस नंबर पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो गिवन नंबर रहेगा उसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि हमारा आंसर वन आ जाए, वही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर 13 गिवन है, तो हमको क्या करना है, 13 इंटू 1/13 कर देंगे तो 13 कट हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, हो गया। नेक्स्ट ये -13/19 इंटू हमारा कौन सा नंबर, ये मल्टीप्लाई करेंगे 19 बाय उसका जस्ट रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा 19/13 और वो भी माइनस, यहां पर माइनस है इसीलिए हमको यहां पर भी माइनस देना है। जो नंबर गिवन रहेगा बस उसका ऑपोजिट करना है, ऑपोजिट मतलब देखो -13/19 है तो 19/-13 ही हमको लिखना है, आपको साइन में भी चेंज नहीं करना है। अगर साइन पे आप चेंज कर लोगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। तो कट कर लेंगे, ये भी कट हो रहा है तो आंसर हमारा 1 आ गया, आया। नेक्स्ट 1/5, तो 1/5 पे हम लिख देंगे और उसके साथ हमको क्या करना है, 5/1, आप 5 भी लिख सकते हो, 5/1 लिखेंगे तो इसको कट कर लेंगे, ये आ गया, हो गया 1, करेक्ट। नेक्स्ट -5/8 इंटू -3/7, यहां पर दो नंबर दिया गया है, रेशनल नंबर दो दिया गया है, तो दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, एक कर देंगे उसके बाद हम आंसर निकाल सकते हैं। तो 5 3 जा 15 और -9 प्लस हो जाएगा, 8 7 जा 56, तो +15/56 इज, इसको इसके साथ हमको क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 56/15, करेक्ट, हो गया। नेक्स्ट पर आपको आंसर ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है एग्जाम में, बस आपको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर लिख रही हूँ, ये आपको रफ में करके आंसर लिखना है, अदरवाइज जैसे जो नंबर दिया रहेगा उसी का रेसिप्रोकल आपको लिखना है बस। नेक्स्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी सेम नंबर क्वेश्चन नंबर फोर की तरह, तो -1 × -2 ये 2 हो गया और नेक्स्ट ये 5 आ जाएगा, तो अब मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 5/2 के साथ, जस्ट 2/5 आया, मतलब देखो यहां से हमने यहां तक कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद आपको वही गिवन नंबर होगा, ठीक है। आप इसी को लेके चलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब आंसर गलत निकल सकता है, तो पहले आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के बाद उसी का रेसिप्रोकल आपको लेना है, करेक्ट। तो 2/5 का रेसिप्रोकल 5/2 कट हो गया, ये भी कट हो गया, 1 आ गया, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है, अगर आपको गिवन ऐसे ही है तो 2/5 ही गिवन है, तो 2/5 का 5/2 है रेसिप्रोकल, जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जो फाइनल हमारा आंसर है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन हमको गिवन है, तो फर्स्ट नंबर है -4/5 × 1 = -4/5 = -4/5, ये कौन से प्रॉपर्टी में जा रहा है वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो अगर आपको वो प्रॉपर्टी याद रहेगा तो आप इजीली कर सकते हो, वो कौन से प्रॉपर्टी है, देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो a है इंटू 1 × a = a है कि नहीं, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, -13/17 × -2/7 = -2/7 × -13/17, ए ले लेंगे बी ले लेंगे, ए इंटू बी, ये बी है इंटू ए, ये कौन सा प्रॉपर्टी में आ रहा है, कम्यूटेटिविटी,
नेक्स्ट थर्ड वन, माइनस 19 बाई 29 इंटू 29 बाई माइनस 19 इज इक्वल टू 1। अभी अभी हमने क्वेश्चन किए थे, सॉल्व किए थे इसी टाइप का क्वेश्चन, वो क्या है, एडिटिव इनवर्स है कि नहीं। आप एडिटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल, तो हम किसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 by 13, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन साइन देंगे, रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7 by 16, मतलब जस्ट उसका उल्टा करना है, 16 by माइनस 7, इस पे आपको चेंज नहीं करना है, साइन पे चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो अभी सॉल्व करेंगे, 16 जा 96 और 13 जा 91 और माइनस साइन। अब उसके आंसर आने के बाद हमको क्या करना है, माइनस 96 बाय 91 ऐसे लिखना है, हो गया हमारा आंसर, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1 बाई 3 इंटू 6 इंटू 4 बाई 3 आज 1 बाई 3 इंटू 6 इंटू 4 बाई 3। आपको बोलना है बस कि ये कौन से प्रॉपर्टी हमको यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो 1 बाई 3 है इसको ए लेंगे, ये बी सी ए सॉरी 1 बाई 3 हाँ ए बी सी, तो ए बी सी ए बी सी, तो कौन सा प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, ए इंटू ये ए बी सी को हम ये साइन लगा देंगे, ए इंटू बी इंटू सी को ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और ये ए इंटू बी को ब्रैकेट के अंदर इंटू सी, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, इस इक्वल कर देंगे, ये हो गया हमारा एसोसिएटिविटी, ये प्रॉपर्टी भी हम पढ़ चुके हैं। बस इतना ही आपको लिखना है, करेक्ट, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।